हमारे यहाँ पे बीजेपी और शिवसेना की युति हुई थी, हमने खुद शिवसेना को वोट किया था क्योंकि वहाँ पे शिवसेना की आई थी। हम लोग बीजेपी भी हिंदुत्व के फॉलो करते हैं, शिवसेना भी कर रहे हैं, तो मैंने खुद शिवसेना को वोट दिया था। लेकिन वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नोटे पे मैं वोट देता था ना, वो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन आज मैंने शिवसेना को वोट दे के जिंदगी में सबसे गलत काम मैंने किया है, वो मेरे को लग रहा है। बाला साहेब ठाकरे में जो धमक थी हिंदुत्व की, वैसी धमक जो अभी की शिवसेना है उसमें धमक दिख रहे, वो सबको मालूम है, हर मतदार हर पब्लिक को मालूम पड़ गया है कि उनमें वो धमक रही नहीं जो बाला साहेब में थी। और बाला साहेब के असली वारसदार ये राज साहेब है, ये आज मालूम पड़ गया पब्लिक को। इसके लिए राज साहेब को हम लोग कंधे पे लेके ऊपर उठाएंगे। जो भी हिंदू सभा है, हिंदू आदमी है, वो सब लोग राज साहेब के पीछे रहेंगे। आज तक ये इतिहास रहा है, आगे भी यही चलेगा। अच्छा, कुछ लोग बोलने को तैयार नहीं है, मुझे एक बात बताइए, क्या शिवसेना से डर लगता है बोलने से? कोई तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पे? कोई डरते हैं, हम लोग मन से वाले कभी शिवसेना से डरते नहीं और डरेंगे भी नहीं। कोई भी पार्टी से हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे पीछे इतना बड़ा शक्ति है राज साहब, तो हमको वही काफी हो गया, हमको किसकी जरूरत भी नहीं है। आपने कहा शिवसेना की वो चमक अब फीकी हो गई, ऐसी क्या वजह हुई जो वो चमकती फीकी हो गई? अभी कैसा है, बाला साहेब ठाकरे जो कभी कांग्रेस के पास गए नहीं, ढूंढ के देखा नहीं, वही वो बाणा छोड़ दिया उद्धव साहब ने और वो सीधा उनके जाके मांडी पे बैठ गए। इसके लिए हमारा कहना है वो जो शिवसेना थी अभी रही नहीं, अभी जो मतदार है उनके भी आदमी है, वो भी चिल्ला के बोल रहे हैं कि पहले के जैसी शिवसेना है नहीं। अभी जितनी ताकत मनसे में है, जैसा शिवसेना, हम भी पहले जूने शिवसैनिक थे कट्टर। अच्छा, आप भी शिवसैनिक थे? पक्का। तो हमने यही वजह से शिवसेना छोड़ा कि धमक नहीं है। अभी हम लोग ऐसे आदमी के साथ में रहना मांगता है कि जिसमें धमक है, शेर शेर के साथ में रहेगा, बिल्ली के पास नहीं जाएगा। शिवसेना चेतावनी दे रही है कि जो लोग ऐसा विभाजन का काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होना तय है, हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन इशारा कर दिया है। वो सब खेल है, अभी तक मेरे हिसाब से मनसे का एक भी कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और राज साहब जो ईडी भी राज साहब को आई थी वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाई। इसके लिए मजबूत पार्टी आज की मनसे ही है, पूरे महाराष्ट्र में, आगे पूरे हिंदुस्तान में। संजय राउत कह रहे हैं कि बीएमसी का चुनाव आ रहा है इसलिए मुद्दा बना दिया गया, राज ठाकरे जी 4 महीने के लिए आते हैं, मुद्दा उठाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो अभी कैसा है, संजय राउत जो है वो सत्ता में बैठा है, वो बहुत सारा भोगता है, वो भोगने दे, उनको क्या भोगने का, जब हम लोग सत्ता में बैठेंगे तब हम लोग बताएंगे कैसा भोगा जाता है, कैसा किया जाता है। क्या लग रहा है सत्ता बदलाव होगा अब की बार? 100% बदलाव तो होना ही होना है। 3 सालों में विकास नहीं दिखाई दिया आपको यहाँ? कुछ भी नहीं, इनके झगड़े ही चालू है, वही झगड़े देखते हैं रोज हम टीवी पे, बाकी तो कुछ दिखता ही नहीं। वो उनका डालता है, वो उनमें डालता है, वो उसमें डालता है, वही चालू है, बाकी क्या है? कोई विकास नहीं हुआ, वही नहीं, विकास गायब है, विकास भूल गया पहले जैसा, जैसे सब कुछ पहले। विकास थाना में, अभी विकास थाना में आज है विकास। राज साहब आएगा ना, सबकी उत्तर पूजा हो जाएगी। एक सपा के नेता अबू आज भी उनको जानते हो? हाँ, पक्का जानता हूँ। वो कह रहे रामायण का जो पाठ है अखंड पाठ वो भी बंद होना चाहिए, भजन भी बंद होने चाहिए, भाईचारा खराब हो रहा है। अबू आजमी तो सीधा सबक हमने ही सिखाया था, जो 13 हमारे आमदार आए थे उन्होंने संसद भवन में सिखाया था सबक, अगली बार उसको और बड़ा सबक सिखाएंगे तभी हम शांत बैठेंगे। तो क्या लग रहा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा अब राज साहब ठाकरे जी ने उठाया है तो जनता का समर्थन मिलेगा? पक्का मिलेगा, मिल रहे ना, आप देखो ना, आप तो पूरा दिन इधर ही रहोगे ना, आप देखोगे बढ़ेगी तेजी से, और बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू ही बढ़ेगा, और कौन बढ़ेगा। मुझे एक बात बताइए, शिवसेना ने पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधी हुई? कैसा रहता है, उनको मुख्यमंत्री बनने का, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री का बनने का बहुत हौस था, ऐसा उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को वचन दिया था, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने ये कभी पसंद नहीं करते कि तुम कांग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री बनो, ये कदा भी पसंद नहीं करते। बाला साहेब ठाकरे ऐसे कुर्सी को लात मारते थे। तो क्या लग रहा है, मुस्लिम वोट बैंक के लिए शिवसेना ने चुप्पी साधी हुई है, अगर वो कुछ बोलते हैं तो जो उनका वोट बैंक है वो खिसक जाएगा? ऐसा मुस्लिम वोटिंग का कुछ नहीं है, हमारा पड़गा में भी मुस्लिम सदस्य, हमारा मनसे का, वो अभी भी हमारे साथ है। ये सब जो है राजकारण चल रहा है, ये राजकारण की वजह से हिंदू मुस्लिम लड़ाई चालू है, ऐसा लोग बोलते है, आखिर वो लड़ाई नहीं है, ये इनके ही मसले, 3-3 गाड़ी बिना गाड़ी सरकार। तो कह रहे कि मुद्दा तो आप लोगों ने उठाया है ना कि लाउड स्पीकर उतरना चाहिए, तो लाउड स्पीकर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, और राज साहब ठाकरे ने खाली एक ही बात बोल, लाउड स्पीकर नहीं बोला, बहुत सारी चीज उसमें बोला है, खाली एक ही चीज चल रहा है टीवी पे, लाउड स्पीकर, दूसरा मुद्दा उठाया नहीं। जो इधर के स्थानिक नगर सेवक है, जो बाहर के बांग्लादेशी वाले को अपना आई कार्ड बना के देते हैं, वो मुद्दा उठा नहीं, बहुत सारे मुद्दे जो
जो दिल्ली से आया है, जो हमारी ऑडियंस है, आप बताइए सबको क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। अभी तो मेरे को इतना उधर राज साहब मिलने के बहुत गाई है और मुद्दे बहुत सारे हैं, आप उसकी क्लिप देख लो, आपको मिल जाए। माझा नाव आहे विपुल पटेल, मी दहाणू शहर अध्यक्ष आहे। तो सर, जिस तरीके से आजकल लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है, पहले महाराष्ट्र में था लेकिन आज ये पूरे देश में मुद्दा फैल चुका है। अनुराधा पोडवाल है, वो भी समर्थन कर रही है कि मैं बहुत देशों में गई हूँ लेकिन मुझको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। काय माहिती का राज साहेब आहे ना, सुरुवात करतात आणि राज साहेब आहे ना म्हणून सर्वांना मिरच्या लागतात। आणि आज तुम्ही जसं बोलतात ना की राज साहेबनी जसं सभामध्ये बोलले, आता सर्व लोक मागे लागले, आता ते मागे नाही लागले, ते सर्व मागेच राहणार आहे। आमचा राज साहेब आम्हाला सर्व मनसैनिक म्हणून मी सांगतो, आमचा राज साहेब आम्हाला संपूर्णपणे विश्वास आहे आम्हाला की एक दिवस पुढच्या निवडणुकीमध्ये, आणि गरज आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, आज जे चाललेलं आहे वातावरण जे चाललेलं आहे, म्हणजे आता राज साहेब बोलले की स्पीकर विरोधात, आता तुम्ही जे काही हे करा भ्रष्टाचार करत आहे त्यांच्या विरोधात बोलत नाही, तुम्ही मुद्दा भटकावत आहे की राज साहेब असे बोलले। अरे राज साहेब जे बोलतात ते करून पण दाखवतात, तुम्ही तर फक्त निवडणूक येतात तेव्हा फक्त जुमलाबाजी करतात की आम्ही हे करणार ते करणार। आज जे महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे झालेली आहे निर्माण स्थिती निर्माण झालेली आहे त्याच्यावर कोणी बोलायला तयार नाही। मत आणि मी स्वतः सांगतो मला की राज साहेबांना कुठलाही धर्माबद्दल आम्हाला विरोध नाही मिळत, आम्ही हिंदू आहे, आम्ही जे आम्हाला प्रार्थना करायची आहे आम्ही घरामध्ये करतात ना। तर साहेबांचं म्हणणं एवढंच आहे की लोकांना तुम्ही कशाला त्रास देता, तुम्ही तुमची अजान असेल की तुमचं जे काही असेल तुम्ही घरापर्यंत ठेवा, आणि ठीक आहे तुम्ही अजान करता तर त्याचा व्हॉल्यूम थोडा हळू ठेवा। साहेबांचं म्हणणं तेवढंच होता। आणि आता लोक कह रहे मंदिरों में भी तो होता है सुबह शाम भजन होता है वो भी बंद होना चाहिए, रामायण का अखंड पाठ होता है वो भी बंद होना चाहिए। हे बघा, पहिले तर मी तुम्हाला सांगतो हे आपलं हिंदुस्थान आहे, हिंदुस्थानमध्ये हिंदुस्थानची जे आहे जे चाललेलं ते हिंदुस्थानमध्ये कोणाची ताकद नाही मिळत बंद करायची। आणि जे लोक बोलतात ना की हे बंद करायला पाहिजे तर तुमचा भोंगा बंद करा, आता आमचा भोंगा चालणार आहे तर तुम्हाला सर्वांना दाखे दिसणारच आहे की पुढच्या निवडणुकीमध्ये कोणाचा भोंगा इथे चालेल ते। कभी बाला साहब ठाकरे जी थे ऐसे हिंदुत्व की राजनीति क्या करते थे, तो क्या लग रहा है जो आज राज साहब ठाकरे जी है वो छवि उनमें आपको दिखाई दे रही है? देखो कैसा पता है क्या, बाला साहब ठाकरे, मैं राज साहब ठाकरे को उनके जैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज जो बाला साहब एक मुद्दा हिंदुत्व का लेके चल रहे थे, आज जो उनके जो उद्धव साहब ठाकरे जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने भटका दिया है और वही मुद्दा लेके राज साहेब ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी पूरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके साथ में है, चाहे कुछ भी हो जाए हम राज साहेब के लिए हम लोग बलिदान देने के लिए भी तैयार है। बलिदान इसलिए क्योंकि राज साहेब ठाकरे ये कभी भी हिंदुस्तान के लिए हिंदुओं के लिए कभी भी गलत नहीं करेंगे, वो हमको पूरा विश्वास है उनके ऊपर। आपने बहुत बड़ी बात कही कि बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा उठाया गया है इससे जो गंगा जमुना तहजीब है वो खराब हो जाएगी, भाईचारा है वो खराब हो जाएगा। देखो कल रामनवमी थी, हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम हमारे बंधु लोग थे उन्होंने शरबत पानी सब बांटे थे, मतलब जो भाईचारा की आप बात कर रहे हो ना ये सब नेता लोग बंद करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग के पास मुद्दा एक ही है हिंदू मुसलमान और कुछ भी मुद्दा नहीं है। अगर उन लोग का जो हिंदू मुसलमान मुद्दा बंद हो जाएगा ना तो उन लोग का घर भी बंद हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे मुद्दा तो राज ठाकरे जी ने उठाया है। अरे मुद्दा जो वो लोग भटका रहे हैं ना, वो लोग जो ये कर रहे वही राज ठाकरे ये कर रहे हैं। राज ठाकरे क्या और कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में हिंदू लोगों का और कौन आवाज उठाएगा? अगर जो हिंदू लोग का जो मुद्दा लेके जो सत्ता में बैठे है वो लोग तो अभी चुप हो गए, अभी वो लोग चुप हो गए तो फिर हमारा जो हम लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं फिर उनका आवाज़ कौन उठाएगा? उनके लिए हमारा राज साहब ठाकरे वो आज करारा जवाब मिलेगा उसके लिए। क्या लगता है लाउड स्पीकर उतरना चाहिए या उस पर एक जो सीमा होती है उस आधार पर होना? देखो राज साहब का भी कहना कभी भी नहीं है लाउड स्पीकर के बारे में, हम लोग भी हमारा भी धर्म है उनका भी धर्म है, हम लोग एक इंसान है, ये जात पात है ना लोगों ने बनाया है,
हम लोग किसी धर्म के विरोध हम लोग जाने वाले नहीं है। राज साहब भी कभी बोले नहीं कि कोई धर्म बंद करो, ये वो स्पीकर तुम लोग, तुम्हारा धर्म है तुम लोग उसको फॉलो करो, लेकिन सबको शांति से रहो, भाईचारे से रहो, हमारा कहना वही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब वो भाषण देते हैं ऐसा लगता है जैसे भाजपा की बी टीम काम कर रही हो। संजय राउत की तो बात नहीं करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उनके पास अभी कुछ काम धंधा ही नहीं बचा है, क्योंकि उनको पता है अभी ये जो आगे का जो चुनाव आने वाला है उसमें उनको घर पे ही बैठने वाला है, तो उनको ऐसा है कि भाई चलो भाई कोई तो पार्टी हम लोग को ले ले। उनको तो राज साहब को बारे में बोलते हैं तो उनको पता है कि साहब राज ठाकरे तो उनको बुला ले, वो बात करके वो सिर्फ राज ठाकरे को एक्टिव कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। पूछना चाहूंगा, 3 साल सरकार को हो गए, तो 3 साल में अगर बात करें यहाँ मुंबई महाराष्ट्र की, तो क्या कुछ बदलाव हुआ आपको देखने को मिला? देखो मैं खुद मिडिल क्लास हूँ, बराबर। आप जो बदलाव की बात कर रहे हो ना, बदलाव आप 3 साल में हम लोग ने, मैंने खुद को, हमारे यहाँ पे बीजेपी और शिवसेना की युति हुई थी, हम मैंने खुद शिवसेना को वोट किया था, क्योंकि वहाँ पे शिवसेना की आई थी। हम लोग बीजेपी भी हिंदुत्व के फॉलो करते हैं, शिवसेना भी कर रहे हैं, तो मैंने खुद शिवसेना को वोट दिया था। लेकिन वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नोटे पे मैं वोट देता था ना, वो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन आज मैंने शिवसेना को वोट दे के जिंदगी में सबसे गलत काम मैंने किया है, वो मेरे को लग रहा है। शिवसेना ने पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है, क्या लग रहा है केवल वोट बैंक को फादने के लिए सब किया जा रहा है? क्योंकि अगर वो कुछ बोलते हैं तो जो उनका वो एक वोट बैंक है वो खराब हो जाएगा। आज वोट बैंक की जो राजनीति कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ अपना जो एशिया है, एशिया में जितने भी जो कंट्री है उससे भी ज्यादा बजट ये महानगर पालिका का है मुंबई का, तो इनको सिर्फ सत्ते पे बैठना है शेषनाग के जैसा और कुछ नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से ये जो मुद्दा उठा हुआ है लाउड स्पीकर का, आप क्या मानते हैं मुद्दा सही समय पर सही तरीके से उठाया गया है? देखिए हमारे जो सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो गलत थे। और दूसरी बात ऐसी, यहाँ पे जो अभी कोविड के बाद में जो हमारी जो परिस्थिति थी या कुछ राजकारण हुआ महाराष्ट्र में, तो राज साहब ठाकरे जो भी बोलेंगे वो सही है हमारे लिए, और हम लोग सामान्य उनके कार्यकर्ता है, और जो भूंगे का मुद्दा या कोई भी मुद्दा हो वो उठाते हैं, वो कुछ सोच समझ के उठाते हैं, उनका कुछ अभ्यास होता है उसके पीछे। जैसे कि कोर्ट का ही नियम है कि भूंगे का जो आवाज़ उसे तकलीफ होती है या जो भी है, उन्होंने किसी धर्म को विरोध नहीं किया है या नमाज के लिए विरोध नहीं किया। हम भी जो राज साहब का कहना है कि जो धर्म के खिलाफ नहीं, वो कभी गए नहीं। अभी हमारे बहुत सारे मुस्लिम सैनिक भी है जो महाराष्ट्र सैनिक बन के काम कर रहे हैं आज, उनको कुछ तकलीफ नहीं होता है, बट ये जो अदर जो पार्टीज है उनकी वजह से जो पॉलिटिक्स होता है, इसलिए ये सब फेस करना पड़ रहा है सर। लेकिन सर संजय राउत जी कहते हैं चुनाव आते हैं तभी ये मुद्दा उठाया जाता है, अब चुनाव आ रहे से राज ठाकरे जी को हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा आता है? संजय राउत साहब बहुत बड़े इंसान है, वो तो शिवसेना के बड़े कार्यकर्ता है, उनके बारे में मैं बोलने वाला कुछ नहीं, मैं राज साहब का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता उनका ही रहूंगा। लेकिन कभी इस तरीके की जो राजनीति है शिवसेना किया करती थी, अब राज साहब ठाकरे जी कर रहे हैं। अभी देखिए शिवसेना क्या करती थी क्या नहीं, लेकिन आज हम आज में जी रहे और कल का देखने वाले, कल क्या हुआ तो हमें उससे मतलब नहीं है। और उनका जो राजकारण था, राजनीति था, आज आप देख रहे शिवसेना के बारे में क्या चल रहा है, राइट ना? तो आपको क्या लगता है क्या स्थिति में बदलाव होना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि पहले जो ये जो लाउड स्पीकर लगे रहते थे तो लोगों को बुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। अभी देखिए मेरे ख्याल से जो लास्ट सभा था, आपने भी अटेंड किया होगा, उसमें राज साहब खुद भी बोले जब भी किसी धर्म की स्थापना हुई थी उस समय तो लॉर्ड स्पीकर नहीं थे, ये जो भी हुआ है या एक स्टंटबाजी या जो भी है, बट इसके लिए हम लोग का भी विरोध नहीं है। एक्चुअली हम मुमरा विभाग से, ये जो मेरा पूरा टीम है मुमरा विभाग से, हम लोग माननीय राजू दादा गायकवाड़ जी है उनके अंडर हम काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुसलमान भाइयों ने भी हमें कुछ तकलीफ नहीं दिया, हमने भी उनको कभी तकलीफ नहीं दिया है, एक खाली एक राजकारण है। और रही बात राज साहब जो बोलेंगे वो हमारे लिए पूर्व दिशा है, सही बात है। अबू आजमी कह रहे हैं कि इससे जो भाईचारा है गंगा जमुना तहजीब है वो खत्म नहीं है। कौन अबू आजमी? नाम सुना है खाली, यूपी के थे, यहाँ पे आए, अपना मॉब बनाया, सब अभी बड़े हो गए, तो जहाँ पे बड़े हुए वो माटी से कभी उन्होंने खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और राज ठाकरे जी तो आपको पता ही है, माननीय बाला साहब ठाकरे जी के एक वंशज, एक्चुअली राजनीति के हिसाब से वही है। यस, तो क्या लग रहा है जैसे कुछ लोगों का कहना है कि विभाजन का काम किया जा रहा है, जो गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा?
सर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए मैं आपको अभी भी बोला, जो हमारे महाराष्ट्र सैनिक है उनमें से बहुत सारे जो सैनिक है वो मुस्लिम भाई भी हमारे, जो आज भी राज साहब के साथ ही है। अगर ये मुद्दा उठ गया, एक खाली बोल दिया तो उसके ऊपर इतना बहस करने का बात नहीं है 10 दिन के लिए, और एक कुछ दिन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज राज साहब जो बोलने वाले हैं वो हमारे लिए सही रहेगा, वहाँ पर आपको भी पता चलेगा। सर क्या लग रहा है, यहाँ से उत्तर दिया जाएगा आज? देखिए अभी राज साहब क्या बोलने वाले हैं भगवान को भी पता नहीं, और जो बोलेंगे वो सुनने के लिए आज जो पब्लिक जमा हो रही है कहाँ कहाँ से, अभी 6:30 बजे के बाद करारा जवाब मिलेगा। ये सब बॉर्डर बैनरबाजी, लेकिन हम लोग सुनने आए